अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू JSK डिज़ाइन स्टूडियो। मैं हूं आपका टीचर जानशेर खान। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube में JSK डिज़ाइन स्टूडियो को सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। सो एडोबी फोटोशॉप की 7वीं क्लास है और आज की क्लास में हम सीखेंगे क्लोन टूल। क्लोन टूल बेसिकली, जैसे हम कहते हैं हमें क्लोन चाहिए, क्लोन का मकसद होता है डुप्लीकेट या कॉपी। हम जैसे कहते हैं काश हमारा कोई क्लोन होता तो आसानी से मतलब सारे काम हो जाते, तो इसलिए क्लोन टूल का मकसद है क्लोन करना किसी को आसानी से, मतलब ठीक है। तो कीबोर्ड से हम एस प्रेस करेंगे या यहाँ क्लोन के टूल सेलेक्ट करेंगे। ये आपको स्टैम्प नुमा शेप नज़र आ रही होगी, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास इसमें दो ऑप्शन है। हम क्लोन स्टैम्प टूल को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हमारे पास ये सर्कल शो हो रहा है। ब्रश इसको हम इसका साइज़ थोड़ा बड़ा करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट पे क्लिक करेंगे राइट साइड वाले पे, तो ये हमारे टूल का साइज़ बड़ा हो रहा है, ठीक है। और अगर लेफ़्ट ब्रैकेट पे हम क्लिक करेंगे तो टूल का साइज़ छोटा होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ हमारे पास कुछ ऊपर शोन ऑप्शन शो हो रहे हैं क्लोन टूल के, ठीक है। अच्छा, ये एक शेप आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है। इसको हम यहाँ क्लिक करेंगे, देखें हमारे पास कुछ एरर शो हो रहा है। कुड नॉट यूज़ द क्लोन स्टैम्प बिकॉज द एरिया टू क्लोन हैज़ नॉट बी डिफाइंड, ऑल्ट क्लिक टू डिफाइन अ सोर्स पॉइंट, ठीक है। वो ये कह रहा है कि हमने कोई सोर्स पॉइंट सेलेक्ट नहीं किया तो हम क्लोन नहीं कर सकते हैं। तो क्लोन करने के लिए हमें डायरेक्टली क्लिक नहीं करना, हमें पहले ऑल्ट का बटन प्रेस करके रखना है और एक बार किसी भी पॉइंट पर क्लिक करना है जो हमें क्लोन करना हो। हमें ये एरिया क्लोन करना है, हम यहाँ एक बार क्लिक करते हैं। तो आप देखें माउस के सर्कल जो था उसमें अब आपको शेप कुछ इमेज नज़र आ रही है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ से हमने पॉइंट सेलेक्ट किया है तो इस वजह से हमारे पास ये शेप यहाँ भी नज़र आ रही है, ठीक है। अब हम यहाँ क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे थोड़ा सा, ये देखें हमारे पास ये इमेज कुछ ऐसी बन चुकी है, ठीक है, ये क्लोन हो चुकी है। इस तरीके से हम क्लोन कर सकते हैं, ठीक है। इसे क्लोन में ऊपर ऑप्शंस में हमारे पास कुछ इसके मोड्स है, ये ब्रश के साइज़ वगैरह है, साइज़ क्या चाहिए आपको, हार्ड चाहिए सॉफ्ट चाहिए, वो हम यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मोड है, मोड जो चाहे आप चेंज करें, वो मैंने ब्रश टूल की क्लास में आपको बताया था, आप चाहें तो ब्रश टूल की क्लास देख सकते हैं। ओपेसिटी, फ्लो, ये क्या चीज़ है इसके बारे में मैंने आपको बताया था लेकिन मैं दोबारा से वजाहत कर देता हूँ। अब यहाँ इसकी ओपेसिटी 100% है, मैं अगर इसको 40% कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करके क्लोन करता हूँ तो अब आप देखिए इसकी ओपेसिटी बहुत कम है, ठीक है, कि हमें इमेज भी प्रॉपर से नज़र नहीं आ रही, ठीक है। अच्छा, क्लोन करते हुए एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि हमेशा न्यू लेयर लेके कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करेंगे, हमारे पास न्यू लेयर होगी, हम उस पर काम करेंगे, ठीक है, ताकि हम उसमें आसानी से काम कर सकें। न्यू लेयर लेने के बाद अगर कंट्रोल शिफ्ट एन आपको याद नहीं रहता तो आप यहाँ लेयर्स पर क्लिक करें, न्यू में आएं और यहाँ लेयर पर क्लिक कर दें, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। यहाँ क्लिक करेंगे, हमारे पास अब ये सेकंड लेयर टू का बता रहा है क्योंकि फ़र्स्ट लेयर ऑलरेडी हम बना चुके हैं, तो हम इसे कैंसिल कर देते हैं, हम फर्स्ट लेयर पर काम करते हैं। हमें जिस लेयर पर काम करना होगा हमें उसी को सेलेक्ट रखना होगा, ठीक है। अब हमें इस लेयर पर क्लोन चाहिए, हम इसको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से दोबारा क्लोन करते हैं, ठीक है। अच्छा, हमने ओपेसिटी कम की है, हम ओपेसिटी बढ़ा देते हैं दोबारा से 100% कर देते हैं। अब हम यहाँ से क्लोन कर सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, ये हमारे पास कुछ इस तरीके से शो हो रहा है, ठीक है। अब देखिए साइड में कुछ एजेस नज़र आ रहे हैं तो हम बैकग्राउंड लेयर को हाइड करके उसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर बैकग्राउंड लेयर को हाइड नहीं करता तो भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। हम यहाँ से ई ब्रश टूल लेंगे, ठीक है, ये हमारे पास ब्रश है, हम ब्रश से भी इसे रिमूव कर सकते हैं। रेजर टूल लेंगे, रेजर टूल से भी ई प्रेस करेंगे, हमारे पास रेजर टूल सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हम राइट क्लिक करके इस ब्रश में सॉफ्ट वाला सेलेक्ट करेंगे, सॉफ्ट राउंड, ठीक है। ब्रश का साइज़ जो रखना है यहाँ से आप रख सकते हैं,
अब हम इसे हल्का हल्का रिमूव करते हैं, ठीक है। हम सिर्फ इस एरिया से करते हैं कि वहाँ हमें ऑलरेडी क्लोन चाहिए। इसको करते हुए आप इसकी ओपेसिटी कम कर सकते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा सा इसका शेड बाकी रहे। हम इस तरीके से इसको कर सकते हैं, ठीक है। क्लोन टूल का बेसिकली मकसद होता है क्लोन करना, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब हम किसी और इमेज पे करते हैं। अब ये एक इमेज है, हमें ये पॉइंट चाहिए, यहाँ पे हम इसको क्लोन करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, मेरे क्लोन टूल जैसे ही सेलेक्ट किया, मेरे पास पिछली इमेज का क्लोन शो हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ दोबारा सेलेक्ट करेंगे ताकि हमारे पास यहाँ की सिलेक्शन, अब यहाँ की सिलेक्शन हमारे पास शो हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, यहाँ मैं जैसे ही क्लोन कर रहा हूँ तो इसकी डायरेक्शन सेम डायरेक्शन आ रही है, लेकिन मुझे इसकी डायरेक्शन सेम नहीं चाहिए। मुझे अगर चाहिए कि मैं इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाए, ठीक है, तो उसके लिए हमें ये करना होगा। हम यहाँ विंडो में आएंगे, यहाँ हमारे पास क्लोन सोर्स शो हो रहा है, ठीक है। क्लोन सोर्स पे हम क्लिक करेंगे, हमारे पास इस तरीके से एक टैब शो हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इसमें अब आप देखेंगे, ये एक टूल है हमारे पास, फ्लिप हॉरिजेंटल, ठीक है। मैं क्लोन सेलेक्ट कर रहा हूँ दोबारा से और फ्लिप हॉरिजेंटल पे क्लिक कर रहा हूँ। अब आप देखिए, अब देखें इसकी पोजीशन कुछ चेंज हो गई। अच्छा, अब आप देखेंगे कि लेफ़्ट साइड पे जहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं इमेज, ठीक है, तो राइट साइड पे भी आपको प्लस का निशान शो हो रहा है, दूसरी जहाँ से हमने क्लोन सेलेक्ट किया था, कि कितना एरिया हम क्लोन कर रहे हैं वो सब उसमें नज़र आ रहा है, आपको ठीक से नज़र आ रहा होगा। तो हम यहाँ से फ्लिप और हॉरिजॉन्टल से हम इसकी रोटेशन भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, मैं दोबारा से करता हूँ। अब ये देखें, इसमें ये जो लेडी है, इसकी मतलब ये इस साइड पे, राइट साइड पे शो हो रही हो, इसमें लेफ़्ट साइड पे। और अगर नहीं, हमें सेम ही चाहिए, हम फ्लिप हॉरिजॉन्टल पे दोबारा क्लिक करेंगे, दोबारा सिलेक्शन लेंगे। अब हम यहाँ एक और क्लोन करेंगे, ठीक है। अब देखें, इसमें सेम पोजीशन पे हमारे पास शो हो रही है, ठीक है। अच्छा, क्लोन का साइज़ हमें अगर छोटा चाहिए थोड़ा, ये तो अब जैसे हम क्लोन जैसे ही ले रहे हैं, इसका साइज़ सेम हमारे पास शो हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हमें साइज़ छोटा चाहिए तो हम यहाँ से इसी परसेंटेज कम कर देंगे, ठीक है। ये 100% है, हम 50% कर देते हैं। अब हम क्लोन सेलेक्ट करेंगे। अब आप देखिए, इसका साइज़ बहुत छोटा हो गया, 50% कर दिए, ठीक है। तो हम यहाँ से साइज़ वैल्यू भी छोटी कर सकते हैं, जैसे कि हम ये शेप सेलेक्ट करते हैं, यहाँ बहुत बड़ी, तो यहाँ हम छोटी सी शेप ले लेते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से, लेकिन अगेन हमें फिर यहाँ बाकी चीज़ों को भी एडजस्ट करना होगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम सिर्फ क्लोन करते रहेंगे, क्लोन हमें सिर्फ माइनर माइनर सी सिलेक्शन के लिए करना होता है, और फिर उसका ब्रश साइज़ वगैरह कम करके हम बाकी चीज़ों को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ का क्लोन ले रहा हूँ, ठीक है, ताकि ये क्लोन यहाँ पर एडजस्ट हो जाए। अच्छा, क्लोन में एक और चीज़ है, यहाँ आपके पास कुछ ये ऑप्शन शो हो रहे हैं, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट वाले पॉइंट पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, और मैंने इसमें ये सिलेक्शन ले के रख लिए, ठीक है, मैंने ये सिलेक्शन ले के रख ली इसमें, ठीक। अच्छा, इसकी वैल्यू हम चेंज कर देते हैं, 100% कर देते हैं इसको आगे, और हम यहाँ फर्स्ट क्लोन में इसे रख देते हैं, ठीक है। हमारे पास एक सिलेक्शन में ये आ गया, ठीक है। अब हम जैसा किसी इमेज पे काम करते हैं, चाहे फेस इमेज हो या एडिटिंग की कोई भी इमेज हो, उसमें डिफरेंट सोर्स पॉइंट्स होते हैं, तो उसके लिए हम मल्टीपल सोर्स पॉइंट भी यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, हमें बार बार सिलेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो ये होगा कि ये जो सेकेंड हमारे पास जो हो रहा है पॉइंट, सोर्स पॉइंट, इस पर हम क्लिक करेंगे, हम इसमें शेप सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ हमारे पास शेप आ गई, ठीक है।
अब हम थर्ड में इस एरिया को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो ये हमारे पास ये एरिया शो हो गया है। मल्टीपल सोर्स सेलेक्ट करने के लिए हम यहाँ से कर सकते हैं। मैं जैसे ही फर्स्ट पर क्लिक करूँगा तो यहाँ हमारे पास क्लोन बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और उसके बाद है फिर इसकी रोटेशन है, ठीक है, इसको पहले थोड़ा सा अंडू कर लूँ ताकि स्पेस आ जाए हमारे पास। अच्छा, अब यहाँ पे हम इसकी रोटेशन डिग्री एंगल चेंज कर सकते हैं, हम करते हैं 45%, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसकी सिलेक्शन ले रहा हूँ, अब आप देखिए इसका एंगल चेंज हो चुका है 45 डिग्री पर, ठीक है। मैं 10 डिग्री करता हूँ अगेन, अब मैं इसकी सिलेक्शन ले रहा हूँ और देखिए 10 डिग्री पर इसका एंगल चेंज हो चुका है, ठीक है। यहाँ से इसकी ओपेसिटी, अगर मैं इसकी ओपेसिटी 50 कर देता हूँ, फिर प्ले ऑन करता हूँ, ओपेसिटी पे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। अच्छा, यहाँ है ये शो ओवरले, अब मैं यहाँ से क्लोन ले रहा हूँ तो अब आपको देखिए माउस में यहाँ ओवरले शो हो रहा है, मतलब उसका जो सोर्स पॉइंट है वो शो हो रहा है। अगर मैं इसे ऑफ कर देता हूँ तो फिर माउस में आपको इसका ओवरले, इसका जो पॉइंट है वो शो नहीं होगा कि इसमें इमेज कौन सी है, जस्ट आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो शो ओवरले पे क्लिक करके रखा करें ताकि आपको पता हो कि सिलेक्शन हुई या नहीं हुई, सोर्स पॉइंट हमने सेलेक्ट किया है या नहीं किया, ठीक है। तो क्लोन सोर्स टूल काफ़ी हेल्पफुल रहता है किसी भी इमेज एडिटिंग के लिए। तो अब हम आते हैं, एक और इमेज है मेरे पास। अब यहाँ देखिए हमारे पास ये फूड की इमेज है और यहाँ पे हमारे पास ये कुछ ब्लैंक एरिया शो हो रहा है, ठीक है। मुझे इस इमेज को और इस इमेज को मर्ज करना है, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, हम यहाँ से क्लोन सेलेक्ट करके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, या हम इस इमेज को वहाँ भी सेम फाइल के अंदर काम कर सकते हैं दोनों इमेजेस पर। तो हम सिंपली यहाँ से करते हैं, इस कॉर्नर से मैं सिलेक्शन ले रहा हूँ, ठीक है। सिलेक्शन लेने के बाद मैं इसे यहाँ एडजस्ट करता हूँ, ठीक है। अच्छा, हमने इसकी डिग्री चेंज की तो हम क्लोन सोर्स से दोबारा इसकी डिग्री ज़ीरो कर देंगे, 10% है हमारे पास, हम ज़ीरो कर देते हैं, ठीक है। अब हम दोबारा से यहाँ से सिलेक्शन लेंगे, सिलेक्शन लेने के बाद हम इस तरीके से कुछ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब आप देखिए ये स्पेस हमारे पास ब्लैंक था तो हम इसको भी कवर कर रहे हैं ताकि हमारे पास कुछ अच्छी सी इमेज बन जाए, और इस तरीके से हम इसको क्लोन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए मज़ीद अगर मैं इस साइड पे क्लोन करना चाहूँगा तो माउस में आपको इमेज शो हो रही होगी कि यहाँ कुछ और पार्ट है इसका, तो हम इसके लिए क्लोन का साइज़ छोटा कर देंगे, ठीक है। हम सिर्फ इसी एरिया को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि अगर मैं मज़ीद यहाँ क्लोन बनाने की कोशिश करता हूँ तो देखिए ये इमेज ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो मैं इस इमेज को ख़राब नहीं करना चाह रहा, वो अपनी जगह ठीक है, हमें सिर्फ ये एडजस्ट करना था, वो हमने एडजस्ट कर लिया है, ठीक है। लेकिन आपको क्लोन दोबारा से सेलेक्ट नहीं करना, आपने वन टाइम यहाँ सेलेक्ट किया तो बस यही क्लोन आपके पास सोर्स पॉइंट यही है आपके पास, ये सेलेक्ट है, ठीक है, इसी का क्लोन यहाँ बनता रहेगा। मैं अभी इसको थोड़ा सा ब्राइट कर रहा हूँ, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से हमारे पास ब्राइट हो गई, ठीक है। तो आप देखिए दोनों इमेजेस में कुछ इस तरीके का डिफरेंस, ठीक है। आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सीखने का मौका मिले। तब तक इंशाल्लाह अगली क्लास के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।